वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो सुजलॉन एनर्जी स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि सुजलॉन एनर्जी में आज भी हल्की सी गिरावट होती हुई नजर आ चुकी है। स्टॉक के अंदर तकरीबन देख सकते स्टॉक गैप अप से ओपन होने के बावजूद जो है स्टॉक में गिरावट यहाँ पे देखने को मिले। आज की बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद गिरावट प्रीवियस जो क्लोजिंग थी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल थी उस लेवल को भी ब्रेकआउट किया स्टॉक ने और गिरावट देखने को मिले। नीचे के साइड डाउनफॉल होता हुआ नजर आ रहा है और रिसेंटली देख सकते कि नीचे और भी जाता है तो 10 लेवल पे सपोर्ट ले सकता है स्टॉक, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से एपेंट सुजलॉन एनर्जी है 10 लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। न्यूज की भी बात की जाए तो न्यूज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो कोई खास न्यूज नहीं दिखाई दे रही रिगार्डिंग सुजलॉन एनर्जी। यहाँ पे देख सकते कि बाकी के जो डिटेल है सुजलॉन एनर्जी के मार्केट कैप 14.79,000 करोड़ का है, पी रेशियो 4.73 का है यहाँ पे, जो कि अच्छा है। और लास्ट फ्राइडे की बात की जाए तो स्टॉक में पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक में गिरावट होती हुई नजर आ चुकी है 2.87% की। बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो वॉल्यूम देख सकते हो तकरीबन 6,93,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर। फिर यहाँ पे वॉल्यूम की बात ट्रेडेड वैल्यू जो है 7,098,00,000 की ट्रेडेड वैल्यू है। बाइंग के लिए 2 करोड़ से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है तो सेलिंग के लिए 3,62,00,000 में सेलिंग का प्रेशर अभी भी ज्यादा है यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी में। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो 6,25,00,000 में से 2 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके, कुल मिला के 32%। चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे, चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक का यहाँ पे चार्ट देखा जाए तो स्टॉक में गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी। गिरावट के बाद रिसेंटली बाउंस बैक हो चुका था स्टॉक, पर फिर से ये देख सकते कि इस वीक के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी बेरिश मूवमेंट देखने को मिले। मंथली प्यूट को ब्रेक डाउन किया और नीचे गिरावट होती दिखाई दी। 10 लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव लेवल है, उस पर ऊपर सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा दिखाई देंगे। वो लेवल ब्रेक होती है तो और नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है, 952-9 तक भी जा सकता है।